हिमाचल प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जिला चंबा में भी अब नेता अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस कड़ी में हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त भी चुरा विधानसभा में बुधवार को आ रहे हैं। इसी के चलते आज चुरा कांग्रेस ने कॉलोनी मोड़ में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सह प्रभारी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दिलदार अली भट्ट ने कॉलोनी मोड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं संघ सह प्रभारी संजय दत्त के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और कहा कि अपने अपने क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को भी ये कहा जाए कि पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बहुमत के साथ सत्ता में लाना है। इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष सहित कई पार्टी के नेता चुराह विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जिस तरह से ये विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया जाएगा। उसका विशेष मकसद जो है पार्टी का स्ट्रेंथन है। 2022 के जो चुनाव हैं, चुनावों को लेकर के जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को देखने के लिए, जांचने के लिए जो है हमारे सह प्रभारी यहां चुरा में आ रहे हैं। हमने रैली के बाद जो है एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में परसों के कार्यक्रम की सारी तैयारियां कर ली हैं। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक जो है हमने टेलीफोनिकली मैसेज दिए हैं, बात की है, उनको परसों के लिए हमने बुलाया है ताकि वो विकास होना चाहिए जो नहीं किया है, जो इन्होंने अब हमारे जो यहाँ का विकास है उसकी गति को जो रोका है उसको भी हम वहाँ रखेंगे और 2022 के चुनावों के मद्देनज़र क्या क्या हमें ज़रूरत है वो सारी चर्चा उनके साथ करेंगे।